17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को केंद्र सरकार से ही झटका लग गया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ प्रस्ताव भेज सकती है और किसी वर्ग की किसी जाति को अन्य वर्ग में डालने का अधिकार सिर्फ संसद को है। 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाली यूपी सरकार के फैसले के साथ केंद्र सरकार नहीं है। राज्यसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यूपी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। थावरचंद गहलोत ने योगी सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि जातियों में फेरबदल संसद का विशेषाधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की उम्मीद भी की। संसद में इस मुद्दे पर बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने सवाल उठाते हुए योगी सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। उनके सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह भी कहा कि किसी जाति को किसी दूसरी जाति में शामिल करने का काम संसद का है। अगर यूपी सरकार इन जातियों को ओबीसी से अनुसूचित जाति में लाना चाहती है तो उसकी एक प्रक्रिया है। राज्य सरकार अगर केंद्र के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव भेजती है तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन यूपी सरकार का अभी जारी आदेश संवैधानिक नहीं है। गहलोत ने इस मामले में कहा कि अगर कोई कोर्ट जाता है तो ये फैसला एक मिनट में रद्द हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले हफ्ते ही शासनादेश जारी करने के बाद जिला अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आदेश भी दे दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।